सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल। जैसे कि जीएसटी में हर रोज कोई ना कोई चेंज आता रहता है, उसी के रिगार्डिंग एक और नया नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 15/2021। इस नोटिफिकेशन में मेनली जीएसटी रिफंड क्लेम करने वालों के लिए छूट दी गई है या उनको एक बेनिफिट दिया गया है। तो अब इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं कि क्या बेनिफिट मिल रहा है और उससे क्या इम्पैक्ट रहेगा। एक नंबर पॉइंट पे तो मेनली रूल को कहा गया कि ये सीजीएसटी फोर्थ अमेंडमेंट रूल 2021 रहेगा। सेकंड में ही मोस्टली चीज़ बताई गई है। सेकंड में फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग रिवोकेशन ऑफ जीएसटी नंबर, जो जीएसटी नंबर कैंसिल हो गए उनको रिवोक करने के लिए जो पहले नोटिफिकेशन आया उसी को ही यहाँ पे बताया गया है। अब आया मेन जीएसटी रिफंड के लिए। जीएसटी रिफंड जब भी हम क्लेम करते हैं तो जीएसटी आरएफटी 01 के थ्रू ही क्लेम होता है। डिपार्टमेंट जब हम फॉर्म फाइल करते हैं तो हम आरएफटी 01 ही फिल करके बताते हैं कि सर हमारा रिफंड बन रहा है, ये अमाउंट है और आप हमें रिफंड क्लेम कर दो। इसमें एक बड़ी दिक्कत आ रही थी रेलिवेंट पीरियड की। रेलिवेंट पीरियड मतलब जीएसटी में कोई भी रिफंड क्लेम करने की लास्ट डेट 2 साल है। 2 साल मतलब 2 साल रेलिवेंट पीरियड से। और अब दिक्कत ये आ रही थी कि हमने रिफंड क्लेम कर लिया टाइमली, लेकिन जीएसटी का ये रहता है कि कोई काम टाइमली तो अभी तक हो ही नहीं रहा, तो ऑफिसर ने 6 महीने तक उसको संभाला नहीं। 6 महीने के बाद वो हमें लेटर दे रहा है डेफिशिएंसी मेमो कि जीएसटी आरएफडी 03 की आप जीएसटी रिफंड क्लेम में ये दिक्कत है, यही डेफिशिएंसी है। जब हम दोबारा रिप्लाई करने लगे तो पता चला कि अब टाइम जा चुका है। या हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, हमें रिफंड क्लेम करना था 12 मई तक, ठीक है सर, और हमने क्लेम कर लिया 8 मई को, और डिपार्टमेंट ने 6 महीने कुछ नहीं किया, और 8 नवंबर को भाई साहब का डेफिशिएंसी मेमो उसे रिसीव हो गया कि आपके रिफंड में दिक्कत है। अब वो रिप्लाई करने जाए 9 तारीख को तो सर उसका 12 मई का टाइम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, वो ये रिफंड टाइम बार्ड हो गया। तो इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने अब नई गाइडलाइन दी है कि जो भी 2 साल टाइम है उससे एक्सक्लूड हो जाएगा जो भी टाइम ऑफिसर लगाएगा रिफंड इश्यू करने में, या नॉर्मल लैंग्वेज में कि में या नॉर्मल लैंग्वेज में कहे कि आरएफटी 01 फाइल होने के बाद जो भी टाइम लगेगा रिफंड इश्यू होने तक या डेफिशिएंसी मेमो तक, तो वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हमारे इस केस में जो भी टाइम यहाँ लगा 8 से 8 नवंबर, मोटा मोटी ये हो गए 6 महीने, 6 महीने 12 मई में ऐड हो जाएंगे रेलवे ट्रेन के लिए। तो मतलब 12 नवंबर तक हमें इसका रिप्लाई करेंगे तो ये टाइम बार नहीं होगा और हमें हमारा रिफंड मिल जाएगा। इसी चीज़ को इस नोटिफिकेशन में बताया गया। साथ में एक और छूट भी दी गई है, जैसे कि जीएसटी रिफंड हमने क्लेम कर लिया, बाद में हमें पता चला सर ये तो रिफंड बनता ही नहीं था, हमने बाई मिस्टेक क्लेम कर लिया, तो उसमें दिक्कत आ रही थी कि उसको विड्रॉ करने का ऑप्शन हमारे पास आज के दिन नहीं था, तो गवर्नमेंट ने उसे विड्रॉ करने का ऑप्शन भी हमें दे दिया आरएफटी 01। लेकिन ये विड्रॉ तब तक हो सकता है जब तक फाइनल रिफंड ना आ जाए, या 06 में कोई पेमेंट का ऑर्डर या रिफंड विद होल्ड का या कोई भी रिफंड पे डेफिशिएंसी, उससे पहले हम हमारा एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव ले लिया तो हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब बात रही विड्रॉ करने का बेनिफिट क्या है। तो जब भी हम जीएसटी का रिफंड क्लेम करते हैं तो हमारा कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में गवर्नमेंट पैसा कम कर देती है। जो ऑनलाइन पोर्टल पर हमारा जीएसटी का कैश लेजर या क्रेडिट लेजर जो भी है उसमें से वो अमाउंट कम हो जाता है, तो वो ना तो यूटिलाइज कर सकते ना कुछ और। अगर हम आरएफटी 01 फाइल कर देंगे तो वो पैसा हमारा क्रेडिट लेजर या कैश लेजर जहाँ से भी डिडक्ट हुआ है वहाँ पे वापस आ जाएगा और हमारे नॉर्मल डे बिजनेस में हम उसको यूज कर सकते हैं। अब रहा एक छूट हमने गवर्नमेंट ने और दी है ईवी बिल में। आज के दिन अगर कोई ऐसी रिटर्न फाइलिंग में डिफाल्टर है तो वो ना तो ईवी बिल इशू कर सकता, ना उसके जीएसटी नंबर पर वो कोई सप्लायर ईवी बिल इशू कर सकता, मतलब ना तो वो ईवी बिल के थ्रू परचेज कर सकता ना ईवी बिल के थ्रू सेल कर सकता। अब गवर्नमेंट ने छूट इसके ये दिया है कि अब उसके जीएसटी नंबर पे ईवी बिल इशू हो सकता है, मतलब अगर वो परचेज करना चाहे तो उसको सप्लायर उसके नंबर पे ईवी बिल इशू कर सकता है, हाँ सेल वो नहीं कर पाएगा। मतलब एक छूट दे दी कि आप परचेज कर सकते हो, सेल के लिए तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी और सारे टैक्स भरने पड़ेंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन में फॉर्म दिए गए हैं जीएसटी आरएफटी 07 विड्रॉ का भी है, तो ये मेनली गवर्नमेंट ने छूट दी है जीएसटी रिफंड वालों को कि आपका रेलिवेंट पीरियड का जो इश्यू आ रहा था उसको अब सोल्व कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।